हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कीर्ति मैम एंड वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। टुडे दिस लेक्चर फॉर क्लास सेवेंथ। आज मैं क्लास सेवेंथ का सेकेंड चैप्टर घातांक स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घातांक होता क्या है। कोई भी नंबर जो इस तरीके के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 2 to the power 5, मैंने एक नंबर लिखा, तो यहाँ पर जो दो हुए वो है आधार यानी कि बेस, और 5 को हम लोग घातांक कहते हैं यानी कि पावर। तो घातांक यानी कि किसी भी संख्या की पावर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 to the power 5, यानी कि 2 5 बार लिखा जाएगा, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2। इसको हम लोग ने ऐसे लिख लिया। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 whole power 5 है, क्या मान है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर -2/3 की पावर 5 क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 बार लिखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया गया है कि 2 की पावर 5 को 5 बार लिखते हैं, उसी प्रकार हम लोग 2 minus -2/3 की पावर को भी 5 times लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 multiplies 2/3 × -2/3 × -2/3 × -2/3। अब हम लोग सारे नंबर्स को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, एक रूल जो होता है मैं पहले आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ कि प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस प्लस इज माइनस। तो ये 4 बेसिक रूल होते हैं जिनका इस्तेमाल घातांक चैप्टर में होगा। तो अब इसके बाद उसी के आधार पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो हमारा साइन आ गया माइनस का। फिर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, and 16 × 2 = 32। इसी प्रकार 3 को हम लोग 5 बार गुणा करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, and 81 × 3 = 243। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 3125 का घातांकीय संकेतन है। अब इसको हमें घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो घातांकीय संकेतन में लिखने के लिए सबसे पहले हम 3125 का एलसीएम करेंगे, और इसका एलसीएम होगा 3125 से करेंगे एलसीएम, क्योंकि लास्ट 5 है इसलिए हम लोग 5 लेंगे। तो 5 से करेंगे तो आएगा 5 6 2 5 6 25। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 125। आप इसको डिवाइड करके करिए, 5 से करेंगे तो 25। हमने इसको डायरेक्ट करा, आप इनको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 5 एंड 5 1। तो इस प्रकार हमने इसको 3125 को 5 के पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद एलसीएम कर लिया, सॉरी। अब इसके बाद 3125 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 5 times लिखना होता है। तो मैंने इसको 5 times लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 5 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5 5 बार। तो इसका घातांकीय संकेतन हो जाएगा 5 की पावर 5। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे बच्चों। थैंक यू।